हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 शेयर की जो आप अपने मार्केट वॉच पर रख के चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो मैं 5 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूँ, ये अगर आप हफ्ता भी होल्ड करेंगे सो आपको मेरी टारगेट्स बहुत ईजिली अचीव हो जाएंगे और बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि आज हमने देखा जिस तरीके से मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है और जिस तरीके से मार्केट की उछाल थी, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो गिरने के लेवल पे थे, जहाँ से अब हम कह सकते थे कि बहुत डाउन साइड आ सकती थी, उस लेवल को बिना ब्रेक करे वो एक अप मूव में आ गया है। तो हमें लगता है कि अब शायद यहाँ से इसमें बाइंग पोजीशंस इनिशिएट हो सकती है। तो ऐसे 5 कौन से शेयर हैं, सबसे पहले हम टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता देंगे उन 5 शेयर के। उसके बाद हम उनके चार्ट पे जाके देखेंगे कि ऐसा क्या है कि हमने इसमें बाय और सेल की आपको रिकमेंडेशन दी, यानी कि इन 5 शेयर के हम आपको चार्ट्स भी दिखाएंगे। सबसे पहले 5 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक, टीवीएस मोटर्स, एलटी, बजाज ऑटो और अपोलो हॉस्पिटल है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक को बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको। अराउंड 1435 पे ये ट्रेड कर रहा है जो क्लोजिंग हमें पता चली है। और अगर ये आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, क्योंकि गाइज ये जो हमने देखा है कि ये ब्रेकआउट आया है ये, या फिर अपने एक चैनल के अंदर दोबारा ट्रेड करना शुरू कर रहा है, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है पर्टिकुलर स्टॉक ने, तो थोड़ा बहुत एक दिन कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आ सकता है। सो आपके लिए मैं बोलूँगा कि बेस्ट बाइंग लेवल जो होगा इंडसइंड बैंक के अंदर 1420 के आसपास होना चाहिए। टारगेट आपको 1470 से 1480 तक के भी मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके इसके अंदर रखना पड़ेगा, वो आपको रखना पड़ेगा 1398 का। ये आपको 4098 दिख रहा होगा, आपको 1398 का मेंटेन करना होगा स्टॉप लॉस। क्योंकि आपको अगर मैं इंडसइंड बैंक के बारे में बताना चाहूँगा तो 1350 पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट की भी बात हम करें, 1 से 1.5 साल तक का सपोर्ट है, जहाँ से 3 बार 1350 के लेवल से ये अच्छी खासी रिवर्स कर चुका है। हम कह चुके हैं कि ये शैडो छोड़ देता है 1350 पे जैसे ही गिरता है, और वहाँ से हम बहुत तेज़ी से उछाल देखते हैं। तो 1350 का आज का इसका इंट्राडे लो था। सो हमने ये इंडसइंड बैंक अपने क्लाइंट्स को भी बाय के लिए रिकमेंड किया था आज के ट्रेडिंग सेशन में, हमने एग्जिट करवा दिया। कुछ क्लाइंट्स हैं अभी भी इसे होल्ड करके रखा हुआ है, प्रॉफिटेबल ट्रेड में है वो लोग। सो ये मेरी एक बाय रिकमेंडेशन होगी। टीवीएस मोटर्स बाय करने की सलाह दी जाएगी। वैसे ये मेरे लिए एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, यानी कि मैं आपको अब इसमें शॉर्ट की पोजिशन के लिए इनिशिएट करवाता, पर गाइस इसमें एक जो रिवर्सल आया था वो रिवर्सल से लग रहा है कि अब वो उस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर गया। अब यहाँ पर इसमें शायद बाय पोजीशन और ज़्यादा इनिशिएट हो सकती है। सो 449 का इसका करंट मार्केट प्राइस था, तो 451 का स्टॉप लॉस, 466-475 तक के भी हम टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। इसमें अभी कोई हमें देख रहे हैं प्रॉब्लम मिल रही है टारगेट स्टॉप लॉस के लिए। सो आपको जो मैं बता रहा हूँ वही टारगेट आप नोट करके चलिएगा, इस पर भी मत ज़्यादा ध्यान दीजिए। लार्सन एंड ट्यूबो बाय करने की सलाह दी जाएगी। बहुत क्लियरली हमने देखा कि इसमें ब्रेकआउट आया है, मैं आपको अपने चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट है। 1557 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, 1572, 1570, 1590 तक के भी हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इस पर 1541 के नीचे ही मेंटेन करना है। बजाज ऑटो बाय करने की सलाह दी जाएगी, 2914, 2932 तक के टारगेट्स भी हम अचीव कर सकते हैं बजाज ऑटो के अंदर। 2881 तक का स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर मेंटेन करना होगा। अपोलो हॉस्पिटल सेल करने की सलाह दी जाएगी, 1383 के आसपास अगर आप अपोलो हॉस्पिटल को सेल करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और टारगेट्स आपके लिए और नीचे के लिए खुल जाएंगे। 1361-1345 तक के भी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद होने को वो कल भी आ सकता है 1345 तक का भी टारगेट। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा वो 1390 का करना होगा। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। इन पांचों जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए उन सबके चार्ट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी बन रही है वो भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने टीवीएस मोटर का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, आप जैसा देख सकते हैं टीवीएस मोटर के चार्ट पे। अब हम अपने ट्रेंड लाइंस का यूज करके आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से क्या पैटर्न्स बन रहे हैं और किस तरीके से मैंने आपको इसमें बोला था कि मैं बेचने की सलाह दूंगा, पर अब मेरा जो व्यू है वो पलट गया है। आप देख सकते हैं आपको कुछ सिमिलर पैटर्न लग रहा होगा इसमें,
ये आप देख सकते हैं खुद ही, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे मैं कहता हूँ, बिल्कुल सेम तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब ऑब्जर्व करिए, पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, दूसरी बार ऊपर गया, अपने हेड बनाया, नीचे आया, शोल्डर बनाया, सेकंड शोल्डर, और अपने जो सपोर्ट की लाइन थी, यानी कि ये आप चैनल देख सकते हैं, ये छोटा सा चैनल है, ये जो मैंने दो ट्रेंड लाइन बनाई, ये चैनल एक इसका रेंज है, सपोर्ट है, जहाँ से ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो सपोर्ट लेता था और उछाल दिखाता था। हम देख सकते हैं कि कल इंट्राडे सेशन के अंदर इसने, यानी कि 19 जून को इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था, हैवी वॉल्यूम्स के साथ हमने देखा था ब्रेक हुआ था वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, और बहुत नीचे जाके इसके अंदर क्लोजिंग देखने को मिली थी। अब हम क्या कर सकते थे, हो सकता था तो मैं आपको कल भी इसके अंदर वीडियो बना के बता सकता था, इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करी है, इसने ब्रेक डाउन दिया है, इसने जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, अब वहाँ से ये नीचे जा सकता है। पर गाइस हो सकता था कि ये दोबारा उस ट्रेंड लाइन पे जाने की कोशिश करे, अब हुआ ये, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए और उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये चैनल जो था, जो सपोर्ट का चैनल था, उसे तोड़ा तो था पर अगले दिन जाके उस सपोर्ट के चैनल के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दे दी। सो ये हम कह सकते हैं कि टीवीएस मोटर शायद यहाँ से दोबारा अपसाइड दिखा सकता है और अपना सेकेंड शोल्डर का जो टॉप है वहाँ तक बढ़ने की कोशिश कर सकता है, जो कि इसका 507 का लेवल है। हो सकता है अगर हम एक मान के चले कि शायद ये दोबारा नीचे चले जाए और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे ट्रेंड लाइन के नीचे, सो हम इसमें ना बाय या ना शॉर्ट दोनों की पोजीशन को इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी इसके नीचे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, अभी कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। पर जिस तरीके से चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से एक अपमूव और आ सकती है टीवीएस मोटर्स के अंदर, अब एक बाय पोजीशन तो ज़रूर इनिशिएट कर सकते हैं। एलटी की बात करें तो लार्सन एंड ट्यूबो की अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लार्सन एंड ट्यूबो पे हमने देखा था कि एक पीनन टाइप पैटर्न बना हुआ था डाउन ट्रेंड का, अगर हम बात करें तो वहाँ से हमने देखा था कि एक यहाँ पर गिरावट आ रही थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये एक लेवल था, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ ना, सो आप देख सकते हैं ये बार बार जो इसकी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी वहाँ पर इसे सपोर्ट मिल रहा था। मैं आपको सारा कुछ दोबारा बना के दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जी देख लीजिए, ये एक मैंने एलटी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, अब मैं इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, पहले सारे टॉप्स को मिलाऊंगा जो कि एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनेगी। पहला टॉप मैं आपको ट्रेंड लाइन ओपन कर देता हूँ। जी गाइस, सो आप देख सकते हैं मैंने पहले टॉप को मिलाया, फिर दूसरे टॉप को मिलाया और फिर सारे टॉप्स को मिला दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो टॉप को मिला दिया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ, जब चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि एक बार तो इसने यहाँ पर पोजीशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में होल्ड लिया, दूसरी बार इधर भी होल्ड लिया, तीसरी बार भी होल्ड लिया, चौथी बार भी होल्ड लिया। सो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, हमें यहाँ पर एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर हर बार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब हमें किस तरीके से काम करना है, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक और ऊपर लाइन बना देता हूँ ऐसे, सो आप देख सकते हैं कि ये एक पिनन पैटर्न फॉर्म हुआ है, और पिनन पैटर्न का ये हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ होता तो ये अपने पुराने, ये जो इसका हम देख रहे हैं जो इसने मूवमेंट दी है उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक आ सकता था, यानी कि 1435 तक आ सकता था। अब देखा हमने कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो फर्स्ट टारगेट जो इसका बनता है वो है 1604 का, 1604 का इसका फर्स्ट टारगेट है। फर्स्ट टारगेट के बाद ये और हायर लेवल्स भी दिखा सकता है, और हायर लेवल्स दिखाने के बाद शायद हो सकता है तो ये ए बी सी डी पैटर्न भी बना सके। अब हमने देखा कि इसके ऊपर तो ब्रेकआउट दिया, अब हम दूसरी क्या चीज़ भी लेकर चल सकते हैं, हम देख रहे थे कि ये लेवल जो है, एक बार हमने देखा कि मार्केट यहाँ से गिरी, गिरने के बाद ऊपर तो गई पर ऊपर यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आ गई, फिर दोबारा ऊपर गई, उसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आ गई। सो अगर हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ लाइन ड्रॉ करके, देख सकते हैं आप, अगर आप यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो
उस लाइन का भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस लेवल से ब्रेकआउट दे दिया। सो यानी कि हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये हमें 1540 के आसपास मिलता है दोबारा, तो हम इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1605। और हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं ये बहुत तेजी से मार्केट हमने देखा ऊपर बढ़ी है, तो ये ऊपर बढ़ रहे हैं, पर हमें इसमें बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करना पड़ेगा। आपको दोनों स्टॉक्स मैंने बता दिए, दोनों ब्रेकआउट के वर्ज में है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करके फ्यूचर में बाय कर लीजिए, ऑप्शन में होल्ड कर लीजिए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, और होल्ड करके रखिए, और अब बेस्ट रिटर्न लेकर एग्जिट करेंगे। क्योंकि गाइज हमने LT पे भी आज अपने क्लाइंट्स को बाय की सलाह ही दी थी और ये लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेड में एग्जिट कर गए थे। अब आते हैं बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो पे ऐसा क्या पैटर्न है, ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से हम सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा। हम देख रहे थे ये पर्टिकुलर स्टॉक, हम थोड़ा दूर का ले लेते हैं ये, इस हम देख रहे थे कि ये जो लाइन है, ये आपको एक लाइन दिख रही होगी बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी बार फेस कर चुका है। पहली बार सपोर्ट फेस करा, दूसरी बार सपोर्ट फेस करा, तीसरी बार करा, चौथी बार रेजिस्टेंस करा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इधर साइड ये सपोर्ट फेस कर रहा है। ये आपको पहली बात समझनी है कि ये एक ट्रेंड लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। अब दूसरी बात में आते हैं, बजाज ऑटो के अंदर ऐसा क्या है, आप देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं इस पर भी ट्रेंड लाइन का यूज़ करना चाहूँगा जी गाइस। सो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट दे रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि ये ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया इस लेवल से। अब हमें किस तरीके से इसमें ट्रेड करना था, हमने देखा कि भाई इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तोड़ने के बाद हमें पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सपोर्ट। ट्रेंड लाइन एक चैनल का अगर ब्रेकडाउन आता है तो उसके बाद वो कहाँ तक गिरेगा, और हमें तुरंत ब्रेकडाउन, चैनल का ब्रेकडाउन आने के बाद ही हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें फाइंड करना चाहिए उसके आसपास कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो नहीं है, शायद वो उस लेवल पे भी रुक सकता है और दोबारा बाउंस कर जाए। हाँ, हमने देखा कि ये एक लाइन थी जो एक लॉन्ग टर्म इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रही थी इस लेवल पे, यानी कि 2900 के लेवल पे। जैसे ही इस लेवल को इसने तोड़ा, हमारी एक इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हो गई। फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो हमारा था 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि 2800 था, यानी कि 2900 पे शॉर्ट करके 2800 का टारगेट था जो कि अचीव हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस कर रहा है, बाउंस करने के बाद वो उसी लेवल पे जाके इसका हाई पे क्लोजिंग दिया, यानी कि जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। अब हम इसमें बाय अपॉर्चुनिटी कब इनिशिएट करनी है, जब ये 2910 के ऊपर जाके ट्रेड करता है, हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 2970 का टारगेट होगा, और मुझे लगता है वहाँ तक ही दोबारा जाने की कोशिश करेगा। वहाँ पर हम फिर एक वेरिफिकेशन लेंगे कि अगर ये उसके ऊपर निकलता है तो अपने चैनल के अंदर दोबारा ट्रेड करता है, तो हम बाय पोजीशन को एक्सटेंड करें या फिर इस पोजीशन से एग्जिट करके शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करें। सो बहुत क्लियरली आपको ये मैंने दिखा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक हम पिनेंट शेप ऑफ पैटर्न बन रहा है। पिनेंट शेप ऑफ पैटर्न इन द सजेस्ट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने एक अपमूव दी, अपोलो हॉस्पिटल ने यहाँ से अपमूव दी। अपमूव देने के बाद ये इस पर्टिकुलर इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। बार बार हम देख रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। आज के मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, आज के मार्केट में हमें देखने को मिला कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई। पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद हमने देखा हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक खुला, यानी कि क्लोजिंग तो इसने सपोर्ट पे दी थी पर ओपनिंग जो दी इस अबव रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर दी। सो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी, पर हमें तुरंत बाय अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए, हमें थोड़ा टाइम हमने वेट करा। हमने वेट करने के बाद देखा ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, रुका ही नहीं ऊपर, सस्टेन ही नहीं कर पाया, और कुछ मिनटों के अंदर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, और हमने अपने क्लाइंट्स को इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे दी थी। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर हमने इसमें एक पुट बाय करवाने की सलाह दे दी थी, और वो हमने बहुत अच्छे लेवल पे दी थी, और ये अभी भी होल्ड में है। हमने अभी भी अपने क्लाइंट्स को बोल रखा है कि 1360 की आप लोअर लेवल पे 17, 18, 19 के लेवल पे भी अगर आपको मिलती है तो
इस पे अपनी पुट की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट अगर मैं फ्यूचर या कैश में बताऊं तो 1340 का लगता है मुझे, और ये मुझे लगता है जल्दी अचीव हो जाएगा। और अगर हम बात करके चले, अगर ये बाय चांस 1340 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए लोअर लेवल्स बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, और ये बहुत डीप डाउन ब्रेक डाउन दिखा देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गिर सकता है, और जो इसकी गिरावट होगी वो होगी 1280 के आसपास, इसका फर्स्ट टारगेट भी बन सकता है। सो अपोलो हॉस्पिटल बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। तीन जो स्टॉक बताए हैं वो बाय के लिए थे। अब आते हैं हम इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक मैंने आपको क्यों दिया था, आज अपने क्लाइंट्स को भी सलाह क्यों दी थी बाय करने के लिए, इंडसइंड बैंक मेरे लिए अभी भी होल्ड में है। जो मैंने अपने क्लाइंट्स को कॉल ऑप्शन दे रखी है वो अभी भी होल्ड में चल रही है, और बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिले। आज बहुत प्रॉफिटेबल स्टॉक ये ट्रेड किया है मेरा। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट ओपन करते हैं। वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि आज जो इसने लो मारा, सबसे पहले हम बात करते हैं वो मारा है 1350 का लो। ये वीकली चार्ट है, पर तब भी डेली चार्ट पे भी इसने 1350 का लो मारा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 2018 पे। आप देख सकते हैं 2018 के एंड पे इस पर्टिकुलर इंडसइंड बैंक ने एक लो दिखाया था, एक शैडो छोड़ी थी। शैडो जो छोड़ी थी वो छोड़ी थी 1340 1350 के आसपास। उसके बाद हमने देखा कि वो इस लेवल पे कंसोलिडेट करते रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद दोबारा उसने वही शैडो छोड़ी और 1350 के आसपास गया, दोबारा हमने देखा उछाल आ गई, फिर ऊपर से नीचे आया। हमने आज की ट्रेडिंग, इस हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में देखा कि इसने जो शैडो छोड़ी है वो छोड़ी है 1350 पर। अब मैं अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा सपोर्ट की, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही है, यानी कि हर बार 1350 के लेवल पे ये शैडो छोड़ के अपमूव दिखा देता है, और वहाँ से हम हायर लेवल्स देखते हैं। आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के अंदर अंदर इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, जो कि 1418 या 1420 का लेवल था, और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी थी अगर ये 1410 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसमें हायर लेवल्स बन जाएंगे, जो कि हमें 1500 तक के लेवल्स भी अचीव करवा सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर 2 दिन के अंदर अंदर ही। सो मेरा टारगेट ये है कि ये दोबारा ये अपने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है, जो कि 1550 1500 का लेवल है इसके आसपास, और तब आपने यहाँ पर इसमें अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो ये महारथी जो 5 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बेस्ट काउंटर है हफ्ते के लिए ट्रेड करने के लिए। ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा फायदा करवा के देगा। हमने अपने क्लाइंट्स को तो आज से ही फायदा करवाना शुरू दे दिया है इस पर्टिकुलर काउंटर्स के अंदर। अगर आपको भी फायदा चाहिए तो ये वीडियो देख के अब आगे भी आप फायदा उठा सकते हैं। और किस तरीके से, अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं है कि क्या किस तरीके से मैं अपनी इसमें बाइंग या सेलिंग पोजीशन को इनिशिएट करूँ, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट लिंक है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा गाइस, और साथ में आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। ये वीडियो के बाद दोबारा जो मैं अपनी वीडियो बनाने वाला हूँ अभी इसी वक्त, वो है निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, कि ये जो उछाल आई है ये उछाल सस्टेन रह सकती है या अब इससे ऊपर और कितना जा सकता है। तो वो वीडियो को देखने के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं चार्ट्स के साथ इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। और इस वीडियो को होल्ड करके गाइस, आप सबसे पहले अपने चार्ट्स के अंदर भी जाके ये पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए, ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए और सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप फ्यूचर में इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो आपको पता होगा कि क्या टारगेट स्टॉप लॉस इस चैनल के अंदर है, तो मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है। सो गुड बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।